नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सार न्यूज, मैं रिजवी। आपको बताते चले, सुचिता सिंह अब एक ऐसा नाम, ऐसा मतलब चेहरा बन चुकी हैं जो लगातार गरीबों में, समाज में और भी कई जगह अपनी छाप छोड़ रही हैं। जो मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल क्राउन विनर फ्रॉम दुबई 2023 जीती थी दुबई में, ये बड़ी ही बिहार के लिए गर्व की बात है, पटना के लिए गर्व की बात है। जो सुचिता सिंह है, उन्होंने मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल क्राउन विनर दुबई में 2023 में जीती। उसके बाद वो लगातार, इससे पहले भी जीती हैं, उसके बाद भी लगातार उन्होंने मुंबई में भी, अभी 2023 में 16 दिसंबर 2023 को मुंबई में उदित नारायण के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। ये बड़ा उपलब्धि है बिहार की बेटियों के लिए, एक तरह से सबक है, सीखने के लायक है कि बिहार की बेटी कहीं भी कम नहीं है। और सबसे ज्यादा यह है कि वो रोटी बैंक जो गरीबों के लिए, जो भूखों के लिए, जो जरूरतमंदों के लिए खाना परोसती है रोटी बैंक के नाम से, वो शाम में गरीबों के लिए, जो ठेले वाले हो, रिक्शा वाले हो, जो जरूरतमंद हो, जो फुटपाथ पर सोते होते हैं, उनके लिए रोटी बैंक का काम करती हैं वो। और गरीबों के बीच, यहां तक के वो जानवरों के बीच भी, कुत्ता लोग से भी बहुत प्यार करती है, उनको भी खाना खिलाती है, गरीब लोग को भी, मतलब जानवर से भी उनका बहुत बड़ा लगाव है। ये बिहार की बेटी का बहुत बड़ा उपलब्धि है और बहुत बड़ा ये एक नाम है, बिहार के लिए गर्व की बात है। सुचिता सिंह एक नाम उभर के आई है, आप देख सकते हैं लगातार वो हर समाज में, हर जगह वो जा रही हैं, हर लोग से मिल रही हैं। उनका क्या क्या उपलब्धि है, उनसे आज हमने मुलाकात की, उनसे बातें की, वो तमाम जो उनकी पूरी कहानी है उन्होंने बताया, और क्या बताया वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, आप देख रहे हैं सार न्यूज। मैं अभी जहां मौजूद हूं, मेरे साथ जो हस्ती मौजूद है, आप देख रही हैं, ये है सुचिता सिंह। ये पहचान के मोहताज नहीं है, अभी दुबई में मिस एंड मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड जो हुआ था उसमें ये विनर रही है दुबई में, और कई अनगिनत वो हम बता नहीं सकते कितनी है अनगिनत इन्होंने मिस का खिताब जीत चुकी हैं। उससे पहले भी बिहार, ये बिहार की बेटी हैं, पटना में रहती हैं, बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, समाज के लिए इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी, इतनी बड़ी ट्रॉफी जीतने के बाद भी, वो कहीं भी किसी भी गरीब हो उनके बीच में आप देखेंगे, हम तो यहाँ तक देखा कि जानवर के बीच में इनका प्यार, वो भी एक बड़ी बात है, उन्हीं से जानना चाहेंगे इस तरह का प्यार इतनी बड़ी ये होने के बाद भी क्या लगता है, कैसे कर पाती है। नमस्कार आप सभी को। एक्चुअली ऐसा है कि जब कोई भी आदमी, कोई भी इंसान एक जगह पर आ जाता है, उसे लगता है कि अब मेरी जर्नी खत्म हो चुकी है, मुझे और क्या बनना, कुछ नहीं बनना, अब जो हूँ तो हूँ, अब मैं जो हूँ उसको मैं यूटिलाइज करूँ, अब मैं उसकी उस चीज़ को लेकर के कुछ और लोगों का भी कल्याण करूँ या फिर अपना बिजनेस करूँ। लोग ज़्यादातर बिजनेस ही करते हैं अपने, विनर की ट्रॉफी को लेकर के, कहीं ग्रूमिंग क्लासेस खोलते हैं, कहीं जिम खोलते हैं, कहीं बुटीक खोलते हैं, पर मेरा उन चीज़ों में कोई ज़्यादा रुचि नहीं था। अच्छा। थोड़ा सा था एक बार कि ग्रूमिंग का क्लासेस खोलेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं, फिर मतलब समाज से कट जाएंगे, और मैं समाज से, लोगों से कटना नहीं चाहती हूँ, उससे मुझे बहुत लोनली फील होती है। और मुझे लगता है कि जब कुछ है हमारे पास खाने के बाद, अगर दो कौर बचता है तो मैं किसी को खिला दूँ, मुझे इस चीज़ से बड़ी संतुष्टि मिलती है और बहुत दिल को बहुत सुकून मिलता है। अगर जैसे मैं रोटी बैंक से भी हूँ और उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा डालने की कोशिश जी आप तो देख ही रहे हैं, तो उन लोगों ने, मैं जब उन लोगों से मिली थी फर्स्ट टाइम तो एक इवेंट में ही मिली थी, और मैं जुड़ी थी उन लोगों को अवार्ड के लिए, वहाँ बुलाया गया था, तो उस वक्त मैं मिसेस एशिया थी, मिसेस एशिया विनर फ्रॉम दुबई, और उस वक्त मैंने मिसेस ग्लोबल का खिताब नहीं लिया था। हाँ, तो जब उन्होंने बोला यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आकर कि रोटी बैंक से आए हैं, उनको हम अवार्ड कर रहे हैं, ऐसा अनाउंस हुआ, तो मेरी इच्छा हुई कि अरे रोज कुछ किसी ने किसी को खिलाते चलते हैं, रास्ते में किसी भूखे को देख लिया तो खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, उसको प्यार कर दिया, ये सबसे
मतलब एक लगता है, अच्छा लगता है खुद को, मेरी सुकून मिलता है। हाँ, एक नेचर है, मतलब एक ह्यूमन नेचर ऐसा होता है और होना भी चाहिए, तो मेरे में ये नेचर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको जाकर के माइक मांगा और मैं प्लेटफॉर्म पर, मैंने उस पर स्टेज पर मैंने ये बात बोल दी कि भाई मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोग यहाँ आए हैं और मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों को सहयोग भी करूँगी। तो उनको ज़्यादा नहीं, बस 5,000 का मैंने हाँ मैंने दिया था, थोड़ा सा ही करके। उन्होंने बहुत इज्जत की मेरी और वापस उन्होंने मुझे जहाँ उन लोग खिलाते हैं गांधीनगर के गेट नंबर 1 पे हर संडे को वहाँ 7:30 बजे खिलाया जाता है, तो उन लोगों ने मुझे वहाँ बुलाया। मैं गई तो बहुत इज्जत किया उन्होंने, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और मैंने जब ये चीज़ देखा कि सभी लाइन में खड़े हुए बैठ के खाते हैं, जो भी भीख मांगने वाले हों, ठेला वाले, रिक्शा वाले, जो भी हाँ जो भी जिसकी भी इच्छा हो वहाँ बैठ के खाता है, तो 100 आदमी 200 अब तो 300-400 लोग आ गए। मतलब मुसाफिर भी कुछ लोग बैठ जाते होंगे। हाँ, बात नहीं जाने दीजिए ना, भूखा ही खाएगा ना, वो तो कपड़ा गहरा नहीं ले रहा वहाँ पे, जिसको भूख लगे वो बैठ जाएगा, भाई बैठ जाओ। सबसे पुण्य का काम है जी, मेरे लिए तो सबसे पहला काम यही है लाइफ में कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए दुनिया में, क्योंकि भूख क्या होती है वो कोरोना के काल में सबने देखा। रोड पर लोग कैसे खा रहे थे, रोडों के खा रहे थे, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग बांट रहे थे, कैसे मतलब उस समय का दौर तो लोगों को और बता दिया अच्छे से कि अनाज क्या होता है। लेकिन अगर अनाज नहीं है आपके पास, खाना नहीं है, तो आप सोना चांदी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, पैसा नहीं खा सकते, पैसा नहीं खा सकते। आप दीवार में पैसा चुन के रख सकते हैं लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। तो अनाज सबसे बड़ा चीज है और हमारे इसलिए मैं किसानों का बहुत इज्जत करती हूँ। हमारे जो आर्मी है, जवान है, उनका भी बहुत इज्जत करती हूँ। जब वो नहीं होंगे तो हम ही नहीं होंगे, बिल्कुल। तो जो जड़ है हमारे हमारे जीवन की जो जड़ है, उसको अगर उनका इज्जत नहीं करे, उनका मान नहीं करे, उनको सपोर्ट नहीं करे, तो फिर ये जीवन ही नहीं रहेगा और इस जीवन का मतलब भी फिर नहीं बनता है। 2023 में जब आप जीती दुबई में इतने बड़ा खिताब, तो बिहार के जो नाम रोशन किया, पटना की आप बेटी हैं, बिहार क्या लगता है इस तरह का बिहार में पॉसिबल था इतना बड़ा अचीवमेंट दुबई में? नहीं था, मुझे ही बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। अच्छा, मुझे ही बहुत ज़्यादा मतलब एक तो भी घर में पटना में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिससे कि आप इतने बड़े इवेंट में जा सकते हैं। तैयारी यहाँ में कुछ तरह का तैयारी नहीं है, कोई भी ऐसे क्लासेस या ऐसा कोई सपोर्ट या कोई ऐसा सिस्टम कुछ भी ऐसा यहाँ पर डेवलप नहीं है। तो यहाँ न तो सामान वैसे यहाँ मिलते हैं जो कि हम उसको परचेस करें, खरीद करके लेके जाएं, वैसे गाउन, वैसी चीज़ें, वैसे सैंडल, वैसे एक्सेसरीज जो होते हैं हमारे उसमें जो हम यूज़ करते हैं, वो सब कुछ भी इधर नहीं था। तो वो सब कुछ धीरे धीरे करके मैंने मुंबई से ही ख़रीदा थोड़ा थोड़ा करके, और वो सब खरीदने के बाद यहाँ पर, क्योंकि मैं मिसेस एशिया मिसेस इंडिया भी मैं कर चुकी हूँ 2019, इसलिए आपको पता था इसे कैसे हैंडल करना। हाँ, तो ये मुझे आइडिया था पूरा सा कि क्या क्या होता है और इस वाले लेवल पर मुझे क्या करना है। तो मैंने जिम बहुत ज़्यादा जिम किया उस समय, क्योंकि मेरी थोड़ी सी फिगर में मतलब ये वाली जो कट थी इसको थोड़ी और गाउन का राउंड होगा वहाँ पे, तो गाउन राउंड में वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। अगर हमें नंबर चाहिए होते हैं तो प्रॉपर अपने पर काम करना, मतलब जीत के पूरी तरीके से तैयारी करके गए और दिल में था कि हम इसको खिताब देंगे, जीतेंगे। और ये भी था दूसरी बात ये भी थी कि उसमें वहाँ पर बिकिनी राउंड भी होता है और वो वर्ल्ड वाइज जो मॉडल्स आई थी 34 मॉडल्स थी वहाँ पे, 34 मॉडल थी जो उसमें से बिहार और कैसे गरीबों को भी लेके आप चल रही है, तो क्या आपका मिशन है, क्या आपका? कुछ नहीं ऐसा है, देखिए जीवन है ऐसे ही जाता 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 यहाँ तक आ गया और ऐसे ही जाता जाता कहीं और पहुँच जाएगा और फिर खत्म भी हो जाएगा। तो ज़्यादा मैं प्लान नहीं करती हूँ अपने बारे में, लेकिन हाँ जो एक बचपन का मेरा सपना था वो मैंने उस सपने को मैंने जी लिया और मैंने उस सपने को मैंने इस एज में आकर के जहाँ की लोग सरेंडर कर देती है खुद को, जब अच्छी अच्छी मॉडल्स यहाँ पर जाकर के और वो मतलब खत्म हो जाता है मेरा करियर, वहाँ पर मेरा करियर स्टार्ट हो गया। ये बड़ी बात है, सही बात आप बता रहे हैं कि जहाँ पे करियर लोगों का
दिल छूट जाता है कि अब कुछ नहीं करना, वहां से आपकी शुरुआत हुई है? वहां शुरुआत भी हुई और माता रानी के घर से जीत भी गई वहां पहुंच। और मिसेस इंडिया जब मैंने किया था 2019 में दिल्ली से, तो उस वक्त मुझे मिसेस फोटोजेनिक प्रेस का अवार्ड वहां मिला था। अच्छा। उसके बाद 2021 में मिसेस एशिया, फिर 2022 में तो कोरोना ही हो गया था, और 2023 में मैंने फिर ट्राई किया, मतलब मैं रुकी नहीं, और मैंने अपने डाइट का, अपने हेल्थ का, अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखा और उस पर मैंने बहुत काम किया। मतलब मैं अपने लिए ही काम कर रही थी, घर का तो मैं करती ही हूँ, मैं एज अ हाउस वाइफ भी मैं काम करती हूँ, घर के सारे काम हो, जो भी हो, किराना हो, राना, ये सारा भी मैं करती हूँ। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे खास के बिहार की लड़कियों को? अभी अब लग रहा है इस तरह का प्लेटफॉर्म पटना में या बिहार में तैयार हुआ है? हो गया है। मैं जितना भी घूमती हूँ, आज से तो 5 साल पहले नहीं था, मैं अगर 5 साल की मैं बात करती हूँ, 2019 से पहले की बात करती हूँ, जो चीज़ें यहाँ की साउंड इतनी, मतलब जो मतलब पूरा बूम नहीं था, जो चीज़ अभी आपको सब दिखने को मिलेगा, मैं मॉडल की मॉडल बनने के लिए लड़कियाँ जान दे रही हैं, अपना मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए प्राण दे रही है, मतलब पूरा लगी हुई है सभी, मतलब शौक पैदा हुआ है। लड़कियों को मैंने हमेशा से मैंने लड़कियों को ये बोला है कि आप फिनेंशियली खुद को सपोर्ट पहले स्टैंड करो, पहले अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, देन आप शादी करो, जब तक आपकी मतलब आपको ये नहीं लगे कि मैं अकेले भी रह सकती हूँ, तब तक आप शादी का जैसा झमेले में नहीं पड़ना, क्योंकि वो चीज़ है जो रुकावट आती है, रुकावट नहीं कहेंगे उसे, बट हाँ वो चीज़ डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब करती है, हाँ आपकी कोई भी हो, मतलब जेंट्स भी डिस्टर्ब होता है, मैं नहीं बोलती सिर्फ लड़कियाँ होती, लड़के भी होते हैं, पर लड़कों का क्या होता है ना, क्योंकि फैमिली साथ में होता है, तुमको ज्यादा पता चलता है, जी, दूसरे के घर में, दूसरे के साथ में, दूसरे से मिला के चलने में, अपनी बातें करने में, मानने में, मनवाने में थोड़ा उनको झिझक भी होती है और थोड़ा अधिक सा लगता भी है, तो वहाँ जाके थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, करे ना करे पापा, फिर समाज ये वो, इसलिए मैं कहती हूँ इन सब झंझट में जाने से पहले ही आपको खुद चल कर शादी से पहले कहीं फैमिली का बहुत जगह ऐसा सुनने में आता है फैमिली भी नहीं तैयार होती इस तरह से, इसलिए फैशन आज के डेट में, लेकिन शौक भी आपको बताएं कि अभी बिहारी शौक हम भी तो इस तरह का देख रहे हैं। अभी कल मेरे पास भागलपुर से बच्चों का आया है मैसेज कि मैम आइए हमारे कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि उनको है कि नहीं हमारे मॉडल्स देखें कि हमने बिहार से कोई जीत करके लेवल पर गई है और जीत करके आई है वहाँ से, तो ये चीज़ें बच्चों का जो मैं देखती हूँ एक तरह का ये जुनून, और तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो जब हमारे मतलब टाइम की बात है तो ना तो ये सोशल मीडिया था, ना तो ये मोबाइल था, तो उस वक्त हम समझते भी नहीं थे क्या होता है चीज़ें, पर हमारे जैसे उस समय की जिस भी मैं थी उस समय उस एज के बच्चे आज ये चीज़ें समझ रहे हैं और अपने लिए उठ रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, और बच्चे जिम भी जा रहे हैं, मतलब बच्चे जिम जा रहे हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी फिट होते हैं फिर भी वो जिम जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ इतनी अवेयरिंग आई है तो बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में एक नया युग आएगा, एक 10 साल 15 20 साल बाद वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी सोच रखा था और हम बड़े शहरों में देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा सोच रही कि यहाँ भी कोई एक अच्छा सा स्टूडियो जो जहाँ कुछ सिखाया जाए आपकी तरफ, आप अपना उसको कुछ करना चाहेंगी? वही मैं चाहती थी गुरु क्लासेस के लिए, मैं सोचती थी, लेकिन बट गुरु क्लासेस के जगह मिलने में इतना टाइम लगा कि फिर मेरा डिसीजन चेंज हो गया कि नहीं मैं सोशल वर्क में ही सही हूँ, क्योंकि जब मैं लोगों को खुश देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, बस मैं मुझे लगता है हाँ जब मैं किसी को कुछ देती हूँ वो जो मुझे आशीर्वाद देने लगते हैं ना, कहीं ना कहीं लगता है कि उन लोगों को दुआ आपको यहाँ तक लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम में यही हुआ था मेरे साथ मिसेज ग्लोबल वाले में, जो मेरे सामने जापान की थी, जस्ट मेरे समझिए एकदम हम एक ही लेवल में थे, हमारे कुछ पॉइंट्स आगे पीछे थे, अच्छा दो ही पॉइंट थे, बट वो हमारे साथ, पर अब ये था कि ये होगी या ये होगी वाली बात थी, हम दोनों साथ खड़े एकदम से, तो जापान से थी और मेरे घर, तो उसके बाद निपॉन से वर्क फ्रॉम निपॉन जापान, और मैं खड़ी मेरा एकदम ऐसे हो रहा क्या होगा क्या होगा, तो मैंने सोचा कि शायद किसी का भला किया और भगवान को आज मेरा भला हो जाए, खाना खिलाते हैं लेकिन उसमें शायद कोई एक दो भी आदमी अगर ऐसा है जिसको सच में खाने की जरूरत है, सच में कितना दुआ निकलता होगा,
उनकी जो दुआ लगती है ना वो सैकड़ों की नहीं लगती, सैकड़ों की नहीं लगती, बिल्कुल सही। हाँ, और एक बात, दूसरी बात, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े जो हमारे नहीं रहे अब, उनका भी आशीर्वाद मिलता है कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं। हाँ, बुजुर्गों का भी दुआ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अपने पूर्वजों को याद करना, उनको प्रणाम करना सुबह सुबह, भगवान के साथ उनको भी याद करना, तो ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं और यही चीजों का असर देखने को मिलता है। लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे बिहार के खास के अभी यंगस्टर जो है, लड़कियां लोग जो एक फैशन की तरफ मुड़ना चाह रहे हैं, बहुत सब कुछ सीखना चाह रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनको यही कहना चाहूंगी, आपके शौक बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हो, बट अगर अगर आप अपने पर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आगे तक कर पाएंगे तो अभी ही छोड़ दो, क्योंकि इसमें पैसे बहुत लगते हैं, खुद को मेंटेन करने में लगता है, ट्रेवलिंग में लगता है, फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, तो उन सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, और उन सब चीज़ों को पैसों के कारण अगर आप कहीं उल्टा पुल्टा काम करने लगें या फिर आप पैसों के कारण एकाएक बैक हो जाए तो ये सही नहीं होगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। खुद को समझना पड़ता है, व्हाट इज ग्रूमिंग, चलना मतलब रैंप कैसे, चलते कैसे है, बोलना कैसे है, बहुत कुछ इसमें। हाँ, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, जैसे रैंप वॉक भी बहुत तरह के रैंप वॉक है, वो सारी चीजें, हर राउंड के रैंप वॉक अलग अलग है, ट्रेडिशनल राउंड का रैंप अलग है, बिटनी राउंड का रैंप अलग है, फिर जो भी मतलब राउंड का, तीन चार राउंड का सबके रैंप अलग अलग, उनका चलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनके सारे जितने भी कर्सी होते हैं एक ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन बींग में सभी लोगों के बीच में आपको कैसे रहना है, उनके साथ कैसे फ्रेंडशिप बना के रखनी है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी की शिकायत नहीं, हाँ आपके नेचर भी स्मूथ होनी चाहिए, हाइपर नहीं होना है, तीन सब चीज़ों को लेकर अगर आप इतने स्टेबल होकर के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज घमंड में, एटीट्यूड में, छोटा छोटा चीज जीत करके आप पूरा घमंड में है, तो वो सब चीज़ें, हाँ वो लोग आगे नहीं जा सकते।